वन्य जीवों के प्रति आपका ये भाव मुझे लगता है कि थोड़ा चिंता पैदा करता है। हम किसान को सुरक्षा भी देंगे लेकिन साथ साथ वन्य जीवों को रेस्क्यू के माध्यम से सुरक्षित स्थानों पर उन्हें पहुंचाने का कार्य भी करने की तैयारी सरकार कर रही है और सरकार उसके प्रति बहुत चिंतित है। सरकार लगातार वहां पे वन विभाग के लोग और इसके विशेषज्ञ कैंप कर रहे हैं, लगातार वहां पर कार्य किया जा रहा है और हर एक को हम लोगों ने इस दिशा में प्रयास किया है। महोदय, यहां पर मैं नेता विरोधी दल को एक और पूछना चाहता हूं, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित 55 लाख लोग हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या ये पीडीए के पार्ट नहीं है क्या? पचपन लाख लोग क्यों नहीं इन्हें आवास मिला था? इसलिए नहीं क्योंकि वो दलित थे, गरीब थे। ये 55 लाख लोगों को 2017 से लेकर अब तक आवास दिलाए गए हैं, 2017 से अब तक। फिर वही कह रहे हैं ना, इंदिरा आवास में कितना पैसा मिलता था, कितना पैसा मिलता था? लोहा आवास में किसको आप देते? समाजवादी पार्टी के कैडर को। सच्चाई, समाजवादी पार्टी के कैडर को और समाजवादी पार्टी का कार्यालय तय करता था किसको आवास मिलना है। ये पहली सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में जब प्रधानमंत्री आवास योजना घोषित हुई और प्रधानमंत्री आवास घोषणा योजना घोषित होने पर न सेंट्रल में और न राज्य उत्तर प्रदेश में तब बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन सेक सूची हम लोगों ने माना। ये सर्वे जब केंद्र में कांग्रेस की यूपीए की गवर्नमेंट थी और प्रदेश में सपा की सरकार थी, सेक सूची आई थी, हमने उसी सेक सूची को स्वीकार किया और फिर हमने उसी के अनुसार मकान देने प्रारंभ किए। और महोदय, 17 से अब तक सुनिए, मैं यही कह रहा हूं ना कि क्या आपने उसको पीडीए का पार्ट नहीं माना था उस समय, जिस समय लाभान्वित करना था? भारत सरकार लिखती थी इन गरीबों के लिए आवास लीजिए, ये कहते थे नहीं नहीं दलित हमारा वोट नहीं, ये लोग कहते थे, देते ही नहीं थे लोग। और परिणाम क्या है? और वह पौने यानी लगभग केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद लगभग 2.5 वर्ष ये लोग सरकार में रहे, योजना लागू ही भारत सरकार लिखती थी, इन्होंने नहीं दिया। और 17 में जब डबल इंजन की सरकार आई, 55,20,000 लोगों को एक एक आवास मिला, जिसमें से 44,93,000 आवास अब तक बनकर के तैयार हो चुके हैं, गृह प्रवेश हो चुका है। ये लोग दलित और पिछड़ों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं? महोदय, और यही नहीं, डबल इंजन सरकार ने एक और काम किया है, प्रयागराज में भी एक भूमाफिया की जमीन को मुक्त करा करके 76 गरीबों को वहां भी आवास दिया है। महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर अब उसी सच्चाई पे हम आ जाते हैं जिसके कह रहे हैं कि क्या किया है। सिंचाई की बात मैं करता हूं, मैं मानता हूं कि वहां 12 से 17 के बीच में चाचा भतीजे के बीच में द्वंद का शिकार उत्तर प्रदेश के लोग होते रहे और यही कारण था कि भतीजे को लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि
चाचा हावी हो जाए, इसलिए पैसा ही नहीं देते थे, पैसा ही नहीं देते थे। पहना था सिंचाई 12 से 17 के बीच में। आ रहा हूं, आ रहा हूं। बहुत चिंता मत करो, आपकी सारी जिज्ञासाओं को दूर कर दूंगा एक झटके में, एक एक करके। 8 परियोजनाएं पूर्ण हो पाई थी 12 से 17 के बीच, और 17 से 22 के बीच में हम लोगों ने 20 परियोजनाओं को पूरा किया है। सिंचन क्षमता 12 से 17 के बीच में 1,95,900 हेक्टेयर को हुआ, 1,95,900 हेक्टेयर, और 17 से 22 के बीच में 23,17,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए कितना प्राप्त हुई, जिससे 44,00,000 किसान सीधे सीधे लाभान्वित हुए। Z News.